हेलो दोस्तों, कल के वीडियोस में दोस्तों हमने देखा था कि एंजल वन के थ्रू दोस्तों हम कैसे स्टॉक से बाय एंड सेल कर सकते हैं। देन दोस्तों आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे कि दोस्तों जो हमने कल वहां पर से एंजल वन के थ्रू स्टॉक से बाय एंड सेल किए थे, उस स्टॉक्स को बाय एंड सेल करने पर एंजल वन ने दोस्तों हमसे यहाँ पर कितने चार्जेस लिए। एंड दोस्तों इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा, एंजल वन दोस्तों आपसे यहाँ पर टॉप 7 हिडन चार्जेस भी आपसे चार्ज करता है। जो दोस्तों आपसे एंजल वन आपसे चार्जेस तो लेता है, बट दोस्तों वहां पर आपको कोई भी फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट या फिर नोट आपको नहीं भेजता है। देन दोस्तों उसको भी यहां पर इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों मोटा मोटी अगर देखा जाए तो आज के इस वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कि अगर आप एंजल वन के थ्रू स्टॉक से बाय एंड सेल करते हो तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर से चार्जेस कितने लगते हैं। एंड ऑफ द डे दोस्तों आपका जो पोर्टफोलियो है वो माइनस में होता है या फिर प्रॉफिटेबल में होता है, वो दोस्तों आज के इस वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। देन दोस्तों आप इस वीडियोस को स्टार्टिंग टू एंडिंग पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों आप जिस दिन स्टॉक से बाय एंड सेल करते हैं उसी दिन दोस्तों रात को या फिर शाम को 8 बजे के पहले पहले या फिर 9 बजे के पहले पहले दोस्तों आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दोस्तों एंजल वन आपको एक मेल करता है, जहां पर दोस्तों आपको एक कॉन्टेक्ट नोट भेजता है जो दोस्तों आपको कुछ इस तरह का दिखता है। देन दोस्तों यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से आपको यहाँ पर से मोटा मोटी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखता है, जहाँ पर दोस्तों आपका क्लाइंट आईडी कोड्स एंड आपका बैलेंस यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देन दोस्तों आपको यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में दोस्तों एंजल वन दोस्तों आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजता है एक पीडीएफ के फॉर्मेट में। देन दोस्तों यहाँ पर आप इजिली इसको डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ स्क्रीन इस तरह का दिखेगा, जहाँ पर दोस्तों हमने जो कल वहाँ पर से ट्राइडेंट का स्टॉक से बाय एंड सेल किया था, ठीक है, हमने दोस्तों यहाँ पर एक ही क्वांटिटीज में काम किया था, ताकि दोस्तों हमें ये जानना था कि दोस्तों एंजल वन दोस्तों हमसे यहाँ पर टोटल मोटा मोटे चार्जेस कितना लेता है, ठीक है। तो कल के वीडियोस में दोस्तों हमने यहाँ पर ट्राइडेंट के स्टॉक पर काम किया था, जहाँ पर दोस्तों हमने एक स्टॉक से बाय किया था 19.55 रुपीस के प्राइस पे। एंड दोस्तों अगेन कुछ ही टाइम के बाद दोस्तों हमने इसी स्टॉक को सेल कर दिया था 19.55 रुपीस के प्राइस पे, यानी कि हमने जिस प्राइस पर हमने स्टॉक से बाय किया था उसी प्राइस पर हमने स्टॉक को सेल भी कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर टोटल जो हमसे यहाँ पर ब्रोकरेज लिया एंजल वन, यहाँ पर 0.10 पैसे यहाँ पर हमसे यहाँ पर ब्रोकरेज लिया। अभी दोस्तों यहाँ पर जो ब्रोकरेज है दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे अगर आप करते हो देन दोस्तों यहाँ पर से ब्रोकरेज लगता है, अगर आप डिलीवरी में स्टॉक्स बाय करते हो देन दोस्तों यहाँ पर आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एंजल वन ने यहाँ पर से ब्रोकरेज लिया है 0.10 पैसा। एंड दोस्तों यहाँ पर अदर चार्जेस जो लगे हैं वो 0.02 है, ठीक है। तो यहाँ मोटा मोटी अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पर प्रॉफिटेबल लॉस देखा जाए तो यहाँ पर से -0.12 पैसा यहाँ पे हमें चार्जेस देखने को मिले हैं। और दोस्तों अगर इसी को अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं, जैसे कि हमें टैक्सेस कितने लगे हैं, एक्चुअल्स में बाय करने पर ब्रोकरेज कितना लगा है, सेल करने पर ब्रोकरेज कितना लगा है, देन दोस्तों इसी को अगर आप स्क्रॉल करेंगे देन दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है, जहां पर दोस्तों आप डिटेल्स में सब कुछ जान सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने कल यहाँ पर ट्राइडेंट के स्टॉक्स बाय किए थे और बाय कर रहे एक क्वांटिटी बाय किए थे 19.55 रुपीज पर, तो बाय करने पर ब्रोकरेज लगा था हमें दोस्तों यहाँ पर 0.05 पैसा। वहीं पर ट्राइडेंट का स्टॉक सेल करने पर एक क्वांटिटी प्राइस पर वहां पर से ब्रोकरेज लगा था 0.05 पैसा, यानी कि दोस्तों टोटल हमारा ब्रोकरेज लगा यहां पर 0.10 पैसा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अदर चार्जेस की, जहां पर दोस्तों आप यहां पर टैक्स देख सकते हैं, जहां पर 9% आपका यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा है एंड 9% आपका स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो टैक्सेस है दोस्तों आपके ट्रेडेड वैल्यूज पे नहीं लगता, ये जो टैक्सेस लगते हैं दोस्तों आपका जो ब्रोकरेज लगता है उस पर, आपके ट्रांजेक्शन की अमाउंट पर, प्लस आपके जो डीमैट के ट्रांजेक्शन होते हैं उस पर दोस्तों आपका 18% टैक्स लगता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मोटा मोटे देखा जाए तो यहाँ पर टैक्स आपका लगा है 0.02 पैसा, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पर सब मोटा मोटी वापस आपको ये दिखा रहा है कि आपका नेट जो टैक्सेस लगे है टोटल मिला करके चार्जेस वो लगे -0.12 पैसा, ठीक है। अभी दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पर तो हमने यहाँ पर काफी छोटी क्वांटिटीज में काम किया देन हमारे यहाँ पर टैक्सेस हमें ये देखने को मिले, अगर हम बड़े वॉल्यूम पर काम करते हैं देन हमारा टैक्सेस क्या हो सकते हैं वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर हम बड़े वॉल्यूम पर काम करते हैं, बड़े स्टॉक्स में अगर काम करते हैं देन दोस्तों यहाँ पर हमारे टैक्सेस एंड चार्जेस वगैरह कितना हो सकते हैं। तो वहीं पर अगर दोस्तों अगर आप बड़े वॉल्यूम पर काम करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 1000 क्वांटिटीज बाय की 100 रुपीज के प्राइस है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर बाय किया है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया
तो यहाँ पर दोस्तों हमारा इंट्राडे ब्रोकरेज यहाँ पर आ जाता है 20 rupees on flat, यानी कि दोस्तों अगर आप दो क्वांटिटी चार क्वांटिटीज बाय करते हैं देन दोस्तों यहाँ पर आपका ब्रोकरेज परसेंटेज की फॉर्म पर आपका लगता है। वहीं पर दोस्तों अगर आप बड़े वॉल्यूम पर अगर आप स्टॉक्स बाय करते हैं देन आपका यहाँ पर ऑर्डर्स फ्लैट 20 rupees लगता है, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों हमने जब एक स्टॉक ट्राइडेंट का 19.55 rupees पर प्राइस पर बाय किया था तो वहां पर हमने परसेंटेज की फॉर्म पर ब्रोकरेज लगा था जो था दोस्तों 0.25%। और यहां पर दोस्तों हमने 1000 क्वांटिटी स्टॉक बाय किया तो यहां पर फ्लैट दोस्तों यहां पर मैक्सिमम यहां पर ब्रोकरेज लगा 20 rupees, ठीक है। अगर दोस्तों अगर यहाँ पर जो है अगर आप 10 करोड़ का भी स्टॉक्स अगर बाय करते हो फिर भी दोस्तों आपका जो ब्रोकरेज है वो 20 rupees लगे क्योंकि मैक्सिमम जो दोस्तों ब्रोकरेज रहता है वो 20 rupees फ्लैट लगता है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक्सचेंजेस चार्जेस आपके लगे 3.45 पैसा एंड जीएसटी आपको लगा है दोस्तों यहाँ पर 4.22 पैसा। तो दोस्तों आपका जीएसटी यहाँ पर लगा है ब्रोकरेज पर, ट्रांजेक्शन अमाउंट पे, और जो डीमैट ट्रांजेक्शन होते हैं उस पे लगा है जो है दोस्तों यहाँ पर 4.22 पैसा। यहाँ पर दोस्तों सेबी के ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाते हैं 0.05 पैसा एंड स्टैम्प ड्यूटी आपको देखने को मिला है 3 पैसे, यानी कि टोटल आपका जो चार्जेस यहाँ पर देखने को मिला है 30.72 पैसा, ठीक है। वहीं पर अगर दोस्तों अगर आप इसी स्टॉक को अगर 120 रुपए के प्राइस पर अगर सेल करते हो देन दोस्तों सेल करने पर आपका यहाँ पर चार्जेस देखने को मिल जाता है 58.55 पैसे, यानी कि मोटा मोटी अगर देखा जाए अगर आप इंट्राडे के जरिए बड़े वॉल्यूम पर काम करते स्टॉक बाय करके सेल करते देन यहाँ पर आपको टोटल चार्जेस जो देखने को मिलते हैं वो 150 रुपए के अंदर अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर एंजल वन के थ्रू अगर डिलीवरी में स्टॉक से बाय एंड सेल करते हैं तो हमारे चार्जेस यहाँ पर कितने हो सकते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आप एंजल वन के थ्रू अगर आप स्टॉक से बाय करते हैं डिलीवरी के थ्रू देन दोस्तों यहाँ पर आपको 1 रुपया भी ब्रोकरेज नहीं लगता, यानी कि दोस्तों अगर आप एंजल वन के थ्रू डिलीवरी में स्टॉक से बाय करते हैं यानी कि एक दिन से ज्यादा टाइम्स के लिए अगर आप होल्ड करते हैं देन यहाँ पर एंजल वन आपसे कोई भी ब्रोकरेज यहाँ पे चार्ज नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर 0 ब्रोकरेज लगता है। यहाँ पर दोस्तों आपका एसटीडी लग जाता है 120 रुपए, एक्सचेंजेस चार्जेस लग जाते हैं 4.14 रुपए एंड जीएसटी दोस्तों यहाँ पर काफी कम हो जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका ब्रोकरेज नहीं लगता है। तो सेबी चार्जेस दोस्तों आपके हो जाते हैं 0.06 एंड स्टैंप ड्यूटी दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाता है 18 रुपए, यानी कि मोटा मोटी दोस्तों यहाँ पर आपके ऑल चार्जेस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं 142.95 रुपीज। वहीं पर अगर दोस्तों अगर सेल साइड की बात करें तो सेल साइड का दोस्तों आपका यहाँ पर ब्रोकरेज देखने को मिल जाता है 124 रुपीज, यानी कि मोटा मोटी दोस्तों डिलीवरी में जब आप स्टॉक्स बाय करते हो और सेल करते हो तो दोस्तों यहाँ पर से आपको बाय एंड सेल करने पर स्टॉक्स में आपको चार्जेस देखने को मिलते हैं अप्रोक्स 300 के अंदर अंदर टोटल आपको चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। अभी दोस्तों मैंने आपको जो भी इस वीडियो पे चार्जेस बताए हैं ये सारे चार्जेस तो आपको पता ही है और आपको ईमेल में एंजल वन आपको भेज देता है, ठीक है। अभी दोस्तों मैं यहाँ पर आपको टॉप 5 या फिर टॉप 6 यहाँ पर हिडन चार्जेस के बारे में बताने वाला हूँ जो दोस्तों एंजल वन आपसे चार्ज तो लेता है बट दोस्तों आपको कहीं पर भी स्टेटमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं भेजता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एंजल वन के यहाँ पर से चार्जेस सारे ओपन करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पर जो आपको पता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो आपको नहीं पता है वो मैं आपको इस वीडियो से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों कॉल एंड ट्रेड, कॉल ऑन ट्रेड दोस्तों आपको पता ही होगा कि क्या होता है कॉल ऑन ट्रेड दोस्तों, यानी कि आप सुबह मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है तब आप कस्टमर केयर में कॉल करके कहते हो कि रिलायंस का स्टॉक 120 रुपए के प्राइस पर 10 क्वांटिटीज बाय कर ले, तो दोस्तों इसे कहते हैं कॉल ऑन ट्रेड, जहाँ पर दोस्तों आप खुद फिजिकली ऑर्डर प्लेस न करके आप एंजल वन की टीम पर कॉल करके उन्हें ऑर्डर प्लेस करने के लिए कहते हैं, जहाँ पर दोस्तों अगर वो टीम अगर आपके बिहाफ पर ऑर्डर प्लेस करते हैं देन दोस्तों यहाँ पर आपको पर ऑर्डर यहाँ पर 20 रुपीज पे करने पड़ते हैं। इसी के बाद में दोस्तों यहाँ पर आता है ऑफलाइन ट्रेड, जहाँ पर दोस्तों आपका अगर कोई भी आपने स्टॉक्स बाय किया है और इन केस अगर वो ऑटोमेटिकली एंजल वन ब्रोकिंग अगर आपका स्टॉक स्क्वायर अप करता है देन दोस्तों यहाँ पर आपको 20 रुपीज प्लस 18% जीएसटी एंड कुछ ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है इतने चार्जेस आपसे एंजल वन आपसे यहाँ पर चार्ज लेता है। अब स्क्वायर अप क्या होता है, स्क्वायर अप मतलब दोस्तों आपने इंट्राडे के जरिए स्टॉक्स बाय किया और आपने अगर 3:15 के पहले पहले अगर उस स्टॉक को सेल नहीं किया खुद से देन दोस्तों 3:16 के बाद एंजल वन आपका स्टॉक स्क्वायर अप कर लेगा। अगर एंजल वन अगर आपका स्टॉक स्क्वायर अप करेगा
देन दोस्तों स्क्वायर अप पर एंजल वन आपसे वहां पर कुछ चार्जेस लेता है, जो चार्जेस दोस्तों मेरे हिसाब से 20 रुपया प्लस 18% जीएसटी या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस दोस्तों आपको पता ही होगा कि एंजल वन में जब हम अकाउंट ओपन करवाते हैं देन यहाँ पर पर मंथ आप स्टॉक्स बाय करो या न करो, सेल करो या न करो, लेकिन आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो आपको देने ही देने हैं, जो पर मंथ दोस्तों यहाँ पर आपको 20 रुपीज प्लस 18% जीएसटी जो होता है 23.06 पैसा होता है वो आपको यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। फिर चाहे दोस्तों आप भली एंजल वन ब्रोकिंग को यूज करो या फिर न करो, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेशन चार्जेस। अब ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेशन चार्जेस क्या होता है इसको अब ध्यान से समझना। अब दोस्तों जब भी दोस्तों हम कोई भी स्टॉक से बाय करते हैं और बाय करने के बाद अगर हम दोस्तों उस स्टॉक को होल्ड करते हैं और दोस्तों जो आपका स्टॉक्स जाकर के डीमैट अकाउंट में चला जाता है और फिर डीमैट अकाउंट से जब दोस्तों आप उस स्टॉक को सेल करते हो तो पर स्क्रिप्ट दोस्तों आपसे CDSL आप 20 रुपीज प्लस 18% जीएसटी आपसे चार्ज करता है, जो कि होता है दोस्तों 23.06 रुपीज के आसपास होता है, उतना अमाउंट आपसे चार्ज करता है। सपोज दोस्तों यहाँ पर से मैंने एक स्टॉक बाय किया और वो 3 दिन के बाद में या फिर 2 दिन के बाद में वो मेरा स्टॉक चला जाएगा डीमैट अकाउंट में एंड 4 दिन के बाद में मैं उस स्टॉक को सेल करूंगा, देन सेल करने पर 23.06 पैसा CDSL में से चार्ज करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि जब भी दोस्तों आप कितने भी क्वांटिटी स्टॉक्स बाय करो देन दोस्तों आप उसको ना अलग अलग टुकड़े में उसको सेल मत करो। जैसे कि आपके पास 10 क्वांटिटीज है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, देन दोस्तों आप उसको एक एक करके सेल मत करो, क्योंकि अगर आप एक एक करके उस स्टॉक को सेल करोगे देन पर ऑर्डर दोस्तों यहाँ पर से आपको 20 प्लस 18% जीएसटी आपको देना पड़ेगा। अगर आप उसको एक ही साथ में अगर उसको बेच दोगे देन आपको वन टाइम खाली CDSL को चार्जेस देने पड़ेंगे। और दोस्तों अगर आप 10 रुपए का स्टॉक सेल कर रहे हो या फिर 25 करोड़ का स्टॉक सेल कर रहे हो, ये जो चार्जेस है दोस्तों सेलिंग पर वो सिर्फ 20 रुपीज प्लस 18% जीएसटी लगता है, जो कि 23.06 पैसा होता उतना ही लगता है, ठीक है। इसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको और एक चार्जेस देखने को मिलता है, जो भी दोस्तों यहाँ पर मार्जिन के थ्रू यहाँ पर स्टॉक से बाय करते हैं उनको इसके बारे में जरूर पता होगा। अगर दोस्तों अगर मार्जिन के थ्रू अगर आप स्टॉक से बाय करते हो और 7 दिन से ज्यादा टाइम के लिए अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हो मार्जिन के थ्रू, तो दोस्तों यहाँ पर 7 डेज के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्लेस करना पड़ता है उस स्टॉक को। प्लेस करते वक्त दोस्तों यहाँ पर पर स्क्रिप्ट दोस्तों यहाँ पर आपको 20 प्लस 18% जीएसटी आपको यहाँ पर एंजल वन को देना पड़ता है, जो कि होता है दोस्तों यहाँ पर अप्रोक्स 23.06 रुपीज के आसपास होता है। फिर चाहे दोस्तों आप 5 रुपए का स्टॉक बाय कर रहे हो या फिर 50 करोड़ का स्टॉक बाय कर रहे हो, उसको प्लेस करने के टाइम पर आपसे वन टाइम चार्जेस लिया जाता है, जो कि होता है 23.06 पैसा। तो दोस्तों आज के इस वीडियोस में हमने यहाँ पर देखा कि एंजल वन के थ्रू जब हम स्टॉक से बाय एंड सेल करते हैं तो मोटा मोटी यहाँ पर हमारे कितना चार्जेस हमसे जो है वो एंजल वन हमसे ले लेता है। आई होप दोस्तों मैंने आपको इस वीडियोस में जो भी बताया है वो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए कुछ पॉइंट नए भी होंगे और कुछ पॉइंट पुराने भी होंगे। आई होप दोस्तों आपको आज वीडियोस काफी अच्छा लगा होगा और काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है या फिर कुछ भी आपका सजेशन है दोस्तों, देन आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और दोस्तों अगर वीडियोस अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। तो दोस्तों मिलते फिर ऐसे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय समय, टेक केयर, बाय बाय।